अनु की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एगलेस फिश रोल की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो आप इसे देखिए, इसमें क्या क्या लगता है और सीखिए। तो फ्रेंड, हमने मैदा लिया है आधा कप, ये इसी कप में आधा कप लिया था, तो हमने इसको चार लिया है। अभी हमने आधा का आधा हमने लिया है चीनी। हमारा दूध है, छोटा कप है ये, तो इसमें पहले चीनी मिला देते हैं। तो हमारा जो दूध है वो हल्का गुनगुना है, मतलब बिल्कुल हल्का, एकदम ना रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसको हम अच्छे से मिला लें। मैंने हाफ टी स्पून लिया है बेकिंग पाउडर, 1/4 हमने लिया है बेकिंग सोडा, ये भी चार लेते हैं इसे। और अब ये हमने 3 टेबल उसमें हमने ये ऑयल लिया है, तो आप ऑयल लीजिएगा जो कि फ्लेवर वाला ना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, इसको चला लें और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लें। नेचुरल फ्रूट का एसेंस है, इसको डालते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ये हमारा बेकिंग सोडा था और इसमें हमने सिरका रखा है, ये वेनेगर है वाइट वाला, ये डाल देते हैं, 1 टीस्पून है। ये जो मैदा है और चीनी, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाएंगे। तो एक साथ नहीं डालेंगे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिसमें लम्स पड़ जाएगा। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। देखिए आराम से गिर रहा है, तो इसको हमको स्प्रेड करना है अभी तवे पे। तो हमने तवा चढ़ा दिया है फ्रेंड, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। तो अब जो है ये इसको हम इसी में डाल देंगे, इस तरह से डाल देंगे अच्छे से। इसको हम पकने देंगे, ढक देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। तो करीब अभी इसको हमने थोड़ा सा तेज किया है, फिर हम इसको धीमा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, एकदम बराबर से है, और लगे कि थोड़ा ऐसे हो रहा है तो आप आगे पीछे इस तरह हिला सकते हैं, बराबर ये। तो बस इसको हम ढक देंगे और लो टू मीडियम हम इसको पकाएंगे। ये बहुत तेज नहीं करना हमको, थोड़ा सा करेंगे, लाल हो जाए थोड़ा सा। तो इसके लाल होने के बाद फ्रेंड हम अपनी क्रीम जो है उसको अच्छे से फेंट लेंगे, या फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने खोल के देखा, देखिए इसमें छेद हो गया है और नीचे से लाल हो गया है, तो यानी कि ये बिल्कुल फिट है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो नीचे से भी हमको देखना पड़ेगा कि लाल है कि नहीं। तो अच्छा खासा लाल हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड। और ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड इस तरह से लाल हो गया हमारा, तो अब इसको हम बटर पेपर पर इस तरह से रख लेंगे और ये इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, बहुत हॉट है। और हम थोड़ा सा रोल करके करीब 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, इस तरह से बटर पेपर लगा के। और इसको जो है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम में अगर हमने लगा दिया क्रीम तो मेल्ट हो जाएगी क्रीम। इसको अच्छे से हम बस को निकाल लेते हैं, तो इधर से बंद कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में, जिससे कि ठंडा हो जाए थोड़ा। करीब आधा घंटा लगा मुझे इसको हैंड ब्लेंडर से करने के। तो अभी इसमें हम क्या मिलाएंगे, थोड़ा सा शुगर मिला देते हैं पिसी हुई, ज़्यादा मीठा नहीं करना, चूँकि बाकी चीज़ भी मीठा है हमारा।
इसमें भी थोड़ा सा हम एसेंस डालेंगे मिक्स फ्रूट का, और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। फिर तो जो हमने मैंगो आइसक्रीम बनाई थी फ्रेंड, उसमें हमने इसको कैसे घर पे व्हिप्ड करते हैं हैंड ब्लेंडर से, हमने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको इसको देखना है कैसे करना है इसको, तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं फ्रेंड। तो बस अच्छे से हमने इसको चीनी भी हल्की मिला दी है और एसेंस भी मिला दिया है फ्रेंड। और अब क्या करेंगे, ये हमने रोल उठा लाए हैं, फ्रिज में रखा था हमने। तो अब इसको धीरे धीरे थोड़ा सा, ये हमारा देखिए ये शुगर सिरप है, इसमें हमने कलर डाला है थोड़ा सा। तो हमने कुछ बनाया था तो उसी का बचा हुआ था, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा। तो क्या होगा, ये बहुत ही अलग सा एक टेस्ट आएगा, एकदम सॉफ्ट, जैसे केक में नहीं होता है उस तरह से। इसको हम करेंगे, पूरा रोल नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे फ्रेंड, जैसे कि ये बाद में भी हम रोल कर पाएँ। तो इसको तुरंत रोल करने का यही पर्पस था फ्रेंड, कि बाद में अगर बहुत सूख जाता है तो रोल होने में बड़ी झंझट होती है फ्रेंड। तो इसलिए इसको इस तरह थोड़ा शुगर सिरप लगा लेंगे। अब इसको हम इस क्रीम को इस तरह से लगा देंगे, तो आप चाहे कौन से भी लगा सकते हैं इसको। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, और बड़े भी खाते हैं। तो घर में कितने अच्छे से व्हिप्ड हो जाती है क्रीम, और इस तरह से आप भी बनाइए फ्रेंड। तो जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है ये। इस तरह से पूरा हम इसमें लगा देंगे, और इवनली इसको हम स्प्रेड कर देंगे, और फिर इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए हम रखेंगे फ्रिज में। अगर आपको जल्दी है फ्रेंड तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं करीब 10-15 मिनट के लिए, फिर जल्दी जल्दी ये ठंडा हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा अच्छे से। तो इसको बस इतना हम करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे, और फिर से हम रोल कर लेते हैं। तो पहले हाँ, तो उसी जैसे हमने इसको रोल किया था फ्रेंड, वैसे इसको रोल करेंगे। कर दिया है, अब हम बटर पेपर के सहारे इसको हम इस तरह से रैप कर देंगे, और फिर फ्रिज में हम इसको रख देंगे। इसको एक पेपर से हमने और रैप कर लिया है वही बटर पेपर से, इसको हम करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और उसके बाद हम इसको कट करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह बना हुआ है ये। फ्रेंड आधे घंटे हो गए हैं, हमने निकाल लिया फ्रिज से। अच्छे से सेट हो गया है अभी। तो इसको मैं नीचे कर लेते हैं, और इस पर हम क्रीम लगाएंगे फ्रेंड, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। आपको मतलब ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए तो आप मत लगाइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्रीम का टेस्ट। स्विस रोल हो तो उसमें क्रीम बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो बस अब इसको क्या करेंगे, तो मेरे पास हमने टूटी फूटी बनाई थी तो उसका सिरप बचा हुआ है, तो वही थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे फिर, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस एक इस तरह से मल्टी कलर दे देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बस अब इसको हम काट लेंगे, था वो हमने काट लिया फ्रेंड, और उसको हम रख देंगे अलग, और बाकी का हम काटेंगे। तो पहले हम बीच से काट लेते हैं इसको। तो
देखिए फ्रेंड कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है, कितना अच्छा सा बना है ये। इसको हम इसी तरह पीस पीस करके निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अरेंज कर लिया है, एक हम आपको काट के दिखाते हैं इसका कैसा है टेक्स्चर। फ्रेंड एकदम जूसीला है, आप देखिए इसका टेक्स्चर, देखिए कितना खूबसूरत है ये देखने में भी। और अभी रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए देखिए कितना ईजिली निकल जा रहा है, तो इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। फिर आप कई झटपट हमने स्विच रोल तैयार कर लिया है और विदाउट एग, कितना जल्दी बन गया ये। तो आप भी इसी तरह बनाइए फिर, और बना के खाइए। खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी रेसिपी हमारी वो आपकी जल्दी पहुँचे। और लाइक जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।